हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। हालांकि जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, डेफिनेटली रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने जरूर यहाँ पे याद रखना चाहिए। रिपोर्ट मतलब अनऑफिशियली हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ये जो खबर है, इस चीज़ के चलते देखिए बाजार में तो अभी भी देखा गया तो बुल का ही पगड़ा भारी देखने को मिल रहा है। इंडेक्स लेवल की बात करें तो आज के दिन भी 26,000 का लेवल टच कर लिया, लाइफ में पहली बार। बट अगर हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, खास करके इस पर्टिकुलर कंपनी में, एटलीस्ट यहाँ पे तो हम कह सकते हैं बियर वालों ने तो कह दिया कि भाई यहाँ पे तो हम लोग जोरदार तरीके से अटैक करेंगे ही करेंगे। मतलब यहाँ पे किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों? तो बात हो रही है दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के शेयर की। सो IEX का स्टॉक आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा 11.5% से ज़्यादा क्रैश यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न खबर तक अब तक तो पहुँच ही चुकी होगी, इवन दो वो रिपोर्ट के जरिए क्यों ना हो। यस दोस्तों, जो पहले का जो डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, जैसे मैं हमेशा IEX को कवर करता था तो एक बात बोलता था, कौन सा? यस, इनके ऊपर आपको याद होगा वो चित्र में इसीलिए बनाता था, हमेशा लटकती हुई तलवार है भाई, कि वो लटकती हुई तलवार अगर कभी भी गिर गई तो दिक्कतें हो सकती है। एंड अभी तक गिरी नहीं है तलवार, बट अभी ऐसा रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही है भाई कि तलवार गिरने वाली है, ठीक है। मतलब किस चीज़ के यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं? तो आपको याद है दोस्तों, जो पावर मिनिस्ट्री जिनके कंट्रोल में हम लोग को पहले देखने को मिलती थी, RK सिंह जी, सो उन्होंने एक पॉइंट को पकड़ कर रखा हुआ था, कौन सा? मार्केट कपलिंग। सो दोस्तों, वापस यहाँ पे बातचीत स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है कि मार्केट कपलिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है करके। सबसे पहले तो मैं आपको आर्टिकल दिखाना चाहूँगा जहाँ पे दिखाया जा चुका है कि IEX का शेयर क्रैश हो गया। अच्छा, क्यों हो गया? रिपोर्ट बता रहा है दैट मार्केट कपलिंग मे बी इम्प्लीमेंटेड बाय फाइनेंशियल ईयर 25। फाइनेंशियल 25 मतलब अभी क्या चल रहा है, सितंबर, 6 महीने के अंदर अंदर मार्केट कपलिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। बट ऐसी खबर हम लोगों को रिपोर्ट के जरिए से देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि RK सिंह जी की अगर बात करें तो उन्होंने मार्केट कपलिंग को पकड़ कर ही रखा था। पहले उन्होंने बोला था कि मार्केट कपलिंग हम करेंगे, फिर बाद में तभी भी स्टॉक जोरदार क्रैश हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ था कि काफ़ी हंगामा मचा था, तो इसीलिए कंसल्टेशन पेपर कैसा होता है वैसे ही जारी किया गया था कि आप भी सुझाव दे दो आपको क्या लगता है। और 70% से ज़्यादा स्टेक होल्डर ने मार्केट कपलिंग के विरोध किया था, इसके खिलाफ मतलब बोला था कि नहीं होना चाहिए मार्केट कपलिंग, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हर किसी को लगा था, फिर उसके बाद स्टॉक वापस भागना स्टार्ट किया था, सबको लगा अभी तो मार्केट कपलिंग फिर नहीं होगा। एंड फिर एक इंटरव्यू में अचानक से RK सिंह जी ने एक बात सामने रख दी, नहीं मार्केट कपलिंग तो होके रहेगा, मतलब खुद से ही वो ये बात यहाँ पे बोल रहे थे। एंड उसके बाद IEX का स्टॉक भाग ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद अगर अच्छी बात हुई तो कौन सी हुई कि हमें इलेक्शन देखने को मिला, और इलेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो RK सिंह जी चुनाव हार गए, ठीक है, चुनाव हार गए, फिर भी वो मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। बट फिर भी जब यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री की बात आई तो RK सिंह जी का हम लोग को नाम देखने को नहीं मिला। एंड एटलीस्ट IEX वाले शेयर होल्डर ने एक राहत की सांस ले ली कि RK सिंह जी तो हट गए, अभी जो दूसरे यहाँ पे आ रहे हैं उनका विचार क्या रहेगा, उनके पॉलिसीज क्या रहेगी, क्या वो पुराने पॉलिसीज को ही फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, वो देखने वाली बात थी। बट तब से लेके अभी तक आप देख सकते हो कि IEX का स्टॉक हम लोग को काफ़ी हद तक रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। बट ये जैसे यहाँ पे जर्नी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही थी, सो आज ही के दिन वो वापस जो खबर बिल्कुल कोई सुनना नहीं चाहेगा, IEX का शेयर होल्डर जो शब्द सुनना नहीं चाहेगा मार्केट कपलिंग, वो वापस बाजार में बंडराते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि समझ में आया भाई, ठीक है स्टॉक क्रैश हो गया, उसके पीछे का रीज़न है मार्केट कपलिंग, पहले ये तो बताओ मार्केट कपलिंग मतलब होता क्या है। सो चले दोस्तों, उसी को हम लोग आसान भाषा में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे चीज़ों को रखना चाहूँगा। पर उससे पहले क्या आपको IEX का बिजनेस मॉडल पता है? बेसिक चीज़ें कि IEX काम क्या करता है, ठीक है। काफ़ी लोगों को बात कड़वी लगेगी, अरे भाई कितने ऐसे इन्वेस्टर है उनके पास शेयर है IEX का, बट उनको पता ही नहीं कि बेसिकली कंपनी काम क्या करती है, यही नहीं पता है उनको। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में मतलब यहाँ पे बताना चाहूँगा IEX काम क्या करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके नाम में बहुत कुछ आ गया मतलब। तो दोस्तों ये एक एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सचेंज मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा आप कि आप यहाँ पे आओ, बायर आओ, सेलर आओ, और आप यहाँ पे ट्रेडिंग करो, और आप यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग यहाँ पे चलती रहेगी। बट किससे रिलेटेड? तो दोस्तों जैसे कि लिखा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेडिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी NSE BSE भी क्या है, NSE BSE भी तो प्लेटफॉर्म ही तो है, वहाँ पे क्या होता है इक्विटी की ट्रेडिंग होती है। अभी उसी तरीके से MCX क्या है, MCX भी तो प्लेटफॉर्म है,
जो किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, यस कमोडिटी का प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप लोगों को सोना चांदी से रिलेटेड ट्रेडिंग करनी है, क्रूड से रिलेटेड करनी है, जीरा या फिर उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो और भी आप लोगों को अलग अलग कमोडिटीज़ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उसको आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो वैसे ही IEX की बात करें तो अगर आपको एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी पावर कंपनियाँ ना दोस्तों, वो पावर बनाती है और अगर एक्सेस पावर अगर होगी तो यहाँ पे आके क्या करते थे, वो बेचते थे और ख़रीदने वाले यहाँ पे ख़रीदते थे, ठीक है। तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज वाला प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ये IEX का बिजनेस है, ठीक है भाई। बट जैसे कि अभी मैंने तो ये तो आप लोगों को बिजनेस बताया, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने आपको कही कि मार्केट कपलिंग, ये शब्द से IEX को नफरत क्यों है, तो इसके लिए आप लोगों को IEX का एडवांटेज समझना पड़ेगा। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ऐसा एनर्जी एक्सचेंज वाला कोई और प्लेटफॉर्म हमारे भारत देश में नहीं है, डेफिनेटली है, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, चलो ए है कोई, दूसरा बी है कोई, चलो एक और है कोई सी है पकड़ लो, और IEX भी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है पता है दोस्तों, देखिए ये सारे प्लेटफॉर्म में क्या होता है पता है, एक चीज़ कॉमन है कि हर कोई आता है अपना प्राइस यहाँ पे बिड कर सकता है, यहाँ पे आओ बिडिंग करो, यहाँ पे आओ बिडिंग करो, यहाँ पे आओ बिडिंग करो, बिड करो। बट आप बिड करने के बाद जो प्राइस डिस्कवरी होती है, जिसको हम लोग पीडी बोलते हैं, पीडी, आप चाहो तो प्राइस डिस्कवरी बोल लो या फिर प्राइस डिसाइड होता है करके बोलो, पीडी समझ में आया आपको, यस, ये IEX का सबसे बड़ा हार्ट है, हार्ट, ठीक है। प्राइस डिस्कवरी मतलब प्राइस डिसाइड होता है, वो किधर होता था, वो IEX में होता था। अब IEX को क्या कोई यहाँ पे स्पेशल पावर देके रखी थी, तो ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं थी, तो फिर IEX में क्यों प्राइस डिस्कवरी हो रही है, इधर क्यों नहीं हो रही, इधर क्यों नहीं। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न था, IEX में मैक्सिमम हम लोग को बायर सेलर देखने को मिलते थे, मतलब मैक्सिमम ट्रेडर यहीं पे आते थे, एंड इस चीज़ के चलते क्या होता था, वहीं पे हम लोग को बेटर प्राइस निकल कर आती हुई देखने को मिलती थी, तो एक बाय डिफॉल्ट एडवांटेज IEX को मिलता था। अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से ध्यान से सुन लेना कि IEX में यहाँ पे क्या होता था, बिडिंग तो हर किसी प्लेटफॉर्म में होती थी, बट यस प्राइस डिस्कवरी ये सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग को IEX में देखने को यहाँ पे मिलता था। प्राइस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिसाइड होता था और फिर बाकी एक्सचेंज में भी फिर वही चीज़ें होती थी, ठीक है। सो प्राइस डिस्कवरी वाला जो ये एडवांटेज है ना दोस्तों, ये मार्केट कपलिंग के चलते हट जाएगा, यस। सो मार्केट कपलिंग मतलब यहाँ पे क्या होगा फिर, सो मार्केट कपलिंग मतलब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे बाकी प्लेटफॉर्म है ए बी सी और यहाँ पे IEX भी अभी इन्हीं की तरह बन जाएगा, मतलब इन प्लेटफॉर्म में क्या होता था, ए बी सी में क्या होता था, सिर्फ बिडिंग होती थी, ठीक है, IEX में भी बिडिंग होती थी, बट IEX में प्राइस डिस्कवरी भी होती थी, बट अभी प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी, तो फिर प्राइस डिस्कवरी कौन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक सुपर एक्सचेंज करके यहाँ पे आ सकता है, क्या आ सकता है, सुपर एक्सचेंज करके, ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी होगी IEX की, वो सुपर एक्सचेंज को भेजेगा, ये अपनी प्राइस बिडिंग यहाँ पे भेजेगा, ये वाला भेजेगा, ये भेजेगा, और सुपर एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि प्राइस क्या हो, मतलब सुपर एक्सचेंज प्राइस डिस्कवर करेगा। हो ये पीडी वाला एडवांटेज पहले IEX के पास था, वो चला गया, और ये सुपर एक्सचेंज कौन होगा, तो बताया जा रहा है कि एक गवर्नमेंट एक कंपनी बनाने वाली है, ठीक है, वही सुपर एक्सचेंज का यहाँ पे काम करेगी और वही प्राइस डिस्कवरी का काम करेगी जो कि पहले IEX करता था, ठीक है, इसीलिए तो लोग IEX को खास करके देखते थे। अभी अगर IEX में प्राइस डिस्कवरी अगर होगी नहीं तो ये भी बाकी के जो प्लेटफॉर्म है ए बी सी जो बचे हुए उन्हीं तरह सिर्फ बिडिंग वाला ही काम करते रह जाएगा, तो ये भी एक कॉमन इंसान ही बन गया, कॉमन कंपनी बन गया, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आप अभी डेफिनेशन पढ़ोगे नीचे लिखा हुआ है देखो कि मार्केट कपलिंग मतलब क्या, मार्केट कपलिंग एक ऐसा मॉडल है वेयर बाय बिड एंड सेल बिड फ्रॉम ऑल द पावर एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, देखो ऑल पावर एक्सचेंज, जैसे बोला ना IEX के साथ ABCD जितने भी पावर एक्सचेंज है, ठीक है, इन द कंट्री विल बी एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड मतलब एक साथ चले जाएंगे किधर, सुपर एक्सचेंज के पास, ठीक है, एंड वहां पे जाके मैच करके डिस्कवर किया जाएगा यूनिफॉर्म प्राइस, एक एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा। ये सारा बात पहले IEX में हुआ करता था, वो IEX की पावर यहाँ पे छीनी जाएगी, ठीक है, एंड यही सबसे बड़ा हम लोग को कंक्लूजन यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो मैं अभी आप लोगों को बोल चुका हूँ IEX के लिए हार्ट क्या है, हार्ट तो दोस्तों वो प्राइस डिस्कवरी पीडी एल्गोरिदम आप यहाँ पे देख सकते हैं, IEX के वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, प्राइस डिस्कवरी का बहुत बड़ा एडवांटेज था, हट जाएगा, ठीक है, और ये सिर्फ नॉर्मल जो बाकी कंपनी कैसे बिड करती थी ABCD जितने भी अदर एक्सचेंजेस हम लोग को देखने को मिल जाते बिड से रिलेटेड, तो ये भी केवल बिडिंग वाला ही काम यहाँ पे कर लेगा। तो
इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो IEX एक कौन सी कंपनी थी? मोनोपोली कंपनी थी, 90% मार्केट शेयर इनके पास देखने को मिलता था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे इनके मार्केट शेयर, देखिए अलग अलग जो सेगमेंट में जो काम करते हैं, यहाँ पे 94% का मार्केट शेयर। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी ट्रेडिंग में लगभग 83% का मार्केट शेयर। देन रियल टाइम RTM की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 100% का मार्केट शेयर। क्या मार्केट शेयर है, देखो पूरा का पूरा बिजनेस इन्हीं के पास है। सो अगर यहाँ पे मार्केट कपलिंग होती है, मतलब क्या है, इन शॉर्ट इनका मार्केट शेयर लूज होने का खतरा काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि पाने के लिए तो और कुछ है नहीं ना। जब आपका मार्केट शेयर ही ऑलरेडी 90% के आसपास है और बचा हुआ 10% को पाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड अगर मार्केट कपलिंग अगर हुआ तो बेसिकली ये भी नॉर्मल प्लेटफॉर्म की तरह ही बन के रह जाएगा। सो इन शॉर्ट इनका मार्केट शेयर धीमे 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 करके नीचे आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा डर हम लोगों को IEX में देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से कॉम्पिटिटर भी हावी हो जाएंगे। मतलब अभी देखिए बाकी के जो प्लेटफॉर्म थे ABCD, ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो तो मतलब मुंह लटका के हुए रहते थे। वो बोलते थे क्या हमारी तो कोई वजूद है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे इधर लोग बिडिंग करे कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली डिसाइड कौन करता है, प्राइस डिस्कवरी किधर होती है, प्राइस डिसाइड किधर होती है, IEX में होती है। बट अभी वो तो छीन लिया, तो आ जाओ भाई IEX हमारे साथ, अभी आप बैठ जाओ, आपको भी हमारे साथ ही कुर्सी टेबल लगाकर बैठना है, ठीक है। तो सेम हो गया। और भी नए अभी एक्सचेंजेस आपको बाजार में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई नया अपना बिजनेस इस सेगमेंट में लाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे एंटर करके फायदा है क्या। अल्टीमेटली लोग IEX के पास ही जाएंगे, क्योंकि हम अगर मान लो SMKC अगर मैं प्लेटफॉर्म खोल लेता हूँ, क्या होगा, यहाँ पे आके आप बिड तो कर सकते हो बट प्राइस डिस्कवरी तो IEX करेगा। तो IEX अभी प्राइस डिस्कवरी नहीं करेगा, सुपर एक्सचेंज करेगा। तो और भी नए एक्सचेंज यहाँ पे आ सकते हैं, और भी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये भी डर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसी डर के चलते IEX का शेयर हम लोग को आज के दिन क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों को इजीली समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा वीडियो क्लोज करने से पहले कि अभी तक ये खबर इंप्लीमेंट नहीं हुई है, रिपोर्ट के जरिए है, ठीक है। बोला जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि सरकार मार्केट कपलिंग का विचार यहाँ पे कर रही है। एंड फाइनेंशियल ईयर 25 लिखा हुआ है। सो 6 महीने के भीतर भीतर मार्केट कपलिंग से रिलेटेड फैसला आ सकता है। एंड फैसला क्या हो सकता है, मार्केट कपलिंग के पक्ष में है, ऐसा रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब अगर मार्केट कपलिंग अगर लग गया तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, यस, जो PD प्लस B था उसमें PD हट जाएगा, ठीक है। तो ये PD की पावर किधर चली जाएगी, माइट बी सुपर एक्सचेंज जो कि सरकार क्रिएट करेगी उसके पास चली जाएगी, और IEX जस्ट एक नॉर्मल बाकी प्लेटफॉर्म की तरह एक बिडर प्लेटफॉर्म करके ही यहाँ पे रह जाएगा। और इसी डर के चलते ये गिरावट हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सारा खेल समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो, देखते हैं अभी आगे क्या होता है करके। तब तक के लिए बाय बाय।